प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को जांचना। हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा है और हम यह भी जानते हैं कि प्रकाश अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं। हम इन नियमों की जांच प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करके कर सकते हैं। इस प्रयोग में हम भी प्रयोगों के द्वारा नियमों की जांच करने वाले हैं। इसके लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता है, जैसे आयताकार कांच के गुटके, सॉफ्ट ड्रॉइंग बोर्ड, ड्रॉइंग पिन, पेपर पिन, ड्रॉइंग कागज इत्यादि। ड्रॉइंग पिन की सहायता से कागज को ड्रॉइंग बोर्ड पर ठीक से लगाएं। उस कागज के बीचों बीच आयताकार कांच के गुटके को ठीक से रखें। पेंसिल की सहायता से कांच के गुटके के चारों ओर रेखाएं खींचें और उससे बने आयत को पी क्यू आर एस ये नाम दें। आयत योग्य तरीके से बने, इसलिए पेंसिल की नोक नुकीली होनी चाहिए। अब कांच के गुटके को निकाल लें और सीमा रेखा PQ पर एक बिंदु बनाएं जिसे O ये नाम दें। अब O बिंदु से एक नॉर्मल अर्थात लंबवत निकालें। अब हमने O बिंदु से M1N1 ये लंब निकाला है। M1OP ये कोण 90 डिग्री का है। अब हम बिंदु O से गुजरती हुई एक किरण बनाएंगे जो 30 का कोण बनाती है, जिसे हम AOM1 कहेंगे। इस किरण को आपातित किरण कहेंगे और जो कोण बनता है उसे आपातित कोण कहा जाता है। ये प्रयोग हम 30 डिग्री आपातित कोण के साथ कर रहे हैं। और एक बात याद रखें कि 30 डिग्री यह कोण AO और M1O के बीच बना हुआ है। अब हम कांच के गुटके को इस प्रकार रखेंगे कि वह PQRS से मेल खाए। अब हम किरण AO पर दो पिन 1 और 2 रखेंगे। अब दूसरी ओर से SR से कांच के गुटके के परे देखेंगे। हम कांच के गुटके के माध्यम से पिन 1 और 2 को देख सकते हैं, वे रेखिक हैं। अब हम SR की ओर से तीसरी पिन इस प्रकार लगाएंगे कि वह पिन 1 और 2 के साथ समरेख दिखाई दे। अब हम चौथी पिन को इस प्रकार लगाएंगे कि वह अन्य तीनों पिन के साथ एक ही रेखा में दिखाई दे। कांच के गुटके को निकालें और पिन 3 और 4 को जोड़ें और उस रेशा को SR तक खींचे। हमें एक बिंदु मिलेगा जो SR का प्रतिच्छेदन करता है और उससे जो किरण बनती है वह निर्गत किरण होती है। इस निर्गत किरण को हम BC कहेंगे। B SR और निर्गत किरण के बीच में प्रतिच्छेदन का बिंदु है। हम इस बिंदु B से SR तक एक लंबवत बनाएंगे जिसे हम M2N2 नाम देंगे। वह कोण जो B और M2N2 के बीच बना है उसे निर्गत कोण कहा जाता है। हमें ये कोण नापना है और उसे लिखना है। O और B बिंदुओं को जोड़ें। किरण OB यह वास्तव में कांच के गुटके से गुजरते हुए प्रकाश का पथ है। हमारे पास कांच के गुटके से गुजरती हुई प्रकाश किरण है जिसके पथ को AOBC द्वारा निर्देशित किया गया है। हम किरण AO कांच के गुटके से इस प्रकार खींचेंगे मानो वहां पर कांच का गुटका न हो। इस किरण को हम OD कहेंगे। AD और BC एक दूसरे से समांतर है। कोण N1OB यह अपवर्तन का कोण है जो R से दिखाया गया है। इस प्रकार अब हमारे पास 3 कोण हैं: आपातित कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। यही प्रयोग अब कोण 30 डिग्री के बजाय कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री के साथ एक बार फिर करके देखें। आपको दिया हुआ निरीक्षण टेबल भी भरें जहां आपको आपातित कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण अर्थात IREE ये तीनों कोण लिखने हैं। प्रयोग द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब प्रकाश हवा से कांच के माध्यम में प्रवेश करता है और कांच से हवा के माध्यम में प्रवेश करता है तब वह अपवर्तित होता है। प्रकाश जब कांच के गुटके के माध्यम से अपवर्तित होता है उस समय आपातित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे से समांतर होती है और हम इन दो किरणों के बीच के लंबवत अंतर को नाप कर इसकी जांच कर सकते हैं। दूसरी बात, आपातित कोण और निर्गत कोण एक ही नाप के होते हैं। अपवर्तन कोण का नाप आपातित कोण से कम होता है। इन निष्कर्षों द्वारा कुछ नियमों की जाँच की जा सकती है।